Hello students, today we will discuss chapter number 10, conjunction. So what is conjunction? Conjunction means joining joint word or compound word. Yes, just like a conjunction is a joiner, a word that connects the part of a sentence. जो क्या करते हैं? दो sentence को joint करते हैं, जोड़ते हैं, है ना? Conjunction करते हैं. For example, this is a useful rule but difficult to learn. ये rule तो बहुत useful है, but कैसा है? Learn करने में difficult है. तो but यहाँ पर क्या है? But ने क्या किया? ये दो sentence को joint कर दिया. तो but is a conjunction. Walk fast, else you will miss the train. जल्दी भागो, नहीं तो else मतलब नहीं तो तुम्हारी train miss हो जाएगी. तो else भी क्या है यहाँ पर? Conjunction है. तो and जैसे हम बोलते हैं ना, and for, but, or, yet, so ये सब क्या है? Conjunctions होते हैं. There are two kind of conjunctions. Coordinate conjunction and subordinate. Coordinate conjunction क्या होते हैं? They joins three or more words, phrase or clause. It create a series and required common commas between the elements. ये क्या करते हैं? Two or three words को join करते हैं और इसमें आप comma का use कर सकते हैं. जैसे I like coffee but I don't like tea. मैं coffee like करती हूँ but लेकिन मैं चाय भी पसंद नहीं करती. तो बट यहाँ पर लगा. बट क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन. नेहा वॉज लेट फॉर वर्क सो शी रिसीव्ड अ कैट कट इन पे. नेहा वर्क में लेट हो गई थी. सो क्या है यहाँ पर? कोऑर्डिनेट कंजक्शन. इसलिए इसने दो ये फ्रेज को जोड़ा है ना, इसलिए उसको सैलरी में कट मिला है ना, मतलब कम हो गई उसकी सैलरी. सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन. ये क्या करते हैं? जॉइन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अनदर मेन क्लॉज फॉर इट्स फुल मीनिंग. ये जॉइन करते हैं जिससे उनका मीनिंग फुल मीनिंग आ जाए. इट जॉइंस टू क्लॉज और स्टेटमेंट और अनइक्वल रैंक ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड पोजिशन. जैसे आफ्टर, अल्दो, हाउ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, बिफोर, दो, एज लॉन्ग एज सून एज सिंस इफ एज सो दैट एज मच एज. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. मनु डिड नॉट गो टू द ऑफिस एज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो एज क्या है इसमें? सबऑर्डिनेट कंजक्शन. कैसे? मनु ऑफिस नहीं गया क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रहा था. तो इसने क्या कर दिया? दो सेंटेंस को मर्ज कर दिया या ज्वाइन कर दिया. अल्दो रीमा वॉज नॉट फीलिंग वेल शी वेंट टू द स्कूल. जबकि हम बोलते ना कि जबकि ऐसा हुआ. तो अल्दो क्या है यहाँ पर? सबऑर्डिनेट कंजक्शन. जबकि रीमा अच्छा फील नहीं कर रही थी लेकिन वो स्कूल गई थी. तो आपको समझ में आया ना कंजक्शन क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स. ओके, इन अ नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज दे आर ज्वाइनिंग वर्ड्स और दे आर टू टाइप्स, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट. ओके, सो यू हैव टू रीड ऑल दिस कंजक्शंस. थैंक यू.